ऐसा ये सब ये सारी बातें मीडिया में और विपक्ष लोग करते हैं। हम लोग मिलकर चुनाव लड़े थे और इस बात को सब जानते हैं, और दोनों जितने नेता कांग्रेस के पूरी जान से मेहनत करी। लेकिन ये बात सही है कि इस बात का दुख हमको है कि हम सरकार नहीं बना पाए, छत्तीसगढ़ में नहीं बना पाए, मध्य प्रदेश में नहीं बना पाए। लेकिन हर बार हम सरकार बनाते हैं और रिपीट नहीं कर पाते, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो छोटी बात नहीं है कि बार बार मेहनत करके हम सरकार बनाएं और फिर हम रिपीट नहीं कर पाते हैं। बहरहाल इसका भी संज्ञान पार्टी ने लिया है, नड्डे साहब ने, कमेटी ने, राहुल जी ने, इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज हमारे हाथ जो चुनौती है वो लोकसभा चुनाव है, इस पर मिलकर काम करेंगे। जिसको जहाँ जो काम दिया जाएगा, जिस नेता को वहाँ काम करेगा। लेकिन बीजेपी की सरकार को 10 साल हो गए, जनता सवाल ही पूछ रही है, महंगाई का, बेरोजगारी का, निवेश का, किसान का, नौजवान का क्या होगा, ये सारे मुद्दे जनता के समक्ष लेकर जाएंगे। अब राहुल जी के नेतृत्व में एक और यात्रा निकलने वाली है 14 जनवरी से, वो भी लगभग 6,000 किलोमीटर की यात्रा होगी। उस यात्रा से जो पहली वाली यात्रा थी उसको कंटिन्यू करने का काम करेंगे, और 14 स्टेट से यात्रा निकलेगी। उसमें तमाम जो गरीब है, किसान है, नौजवान है, मजदूर, सबकी बातों को उठाएंगे हम लोग, ताकि जवाबदेही तय तो करें। ये सरकार संसद में तो 145 सांसदों को सस्पेंड कर सकती है, लेकिन जिस माननीय भाजपा के सांसद ने उन लोगों के पास बनवा के उनको संसद में घुसाया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो इस प्रकार आप पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष को मुक्त करना चाहते हैं, गलत काम है, इसकी हम निंदा करते हैं। उसके विरोध में पूरा इंडिया अलायंस एक होकर हमने बात रखी है। लोकतंत्र में संविधान के अंदर कहीं नहीं लिखा कि विपक्ष को इस तरह आप नजरअंदाज करें, इस तरह का एक्शन लें। तो ये सारा देश देख रहा है कि केंद्र सरकार रवैया क्या है। बीजेपी शासन में, लेकिन सत्ता में इतना घमंड उनको हो गया कि विपक्ष की बात ना सुना, तो एक तरफ आप उनको सस्पेंड कर रहे हैं, और 50, 70, 100, 145 सांसदों को सस्पेंड करना, ये कहाँ के लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? इन सब सवालों का जवाब जनता देगी जब मतदान होगा लोकसभा। मैंने कहा ना, हम लोग चुनाव हार गए, लेकिन अभी हमारा इमीडिएट टास्क ये है कि लोकसभा के अंदर हम लोग अच्छा परफॉर्म करें। और जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी गई है, और मुझे पार्टी नेतृत्व ने, खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव बनाकर एक राज्य की जिम्मेदारी दी है, मैं लीडरशिप का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि लोकसभा से कुछ महीने पहले एक जिम्मेदारी मुझे दी है, उसका पूर्ण निर्वहन करूँगा। और बहुत जल्द राजस्थान में भी हम निर्णय लिए जाएंगे कि कौन विपक्ष का नेता होगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, जिला कांग्रेस कमेटी में क्या क्या बदलाव करने हैं। लोकसभा को देखते हुए जहाँ पर जो बदलाव करना है उसका संज्ञान AICC ले चुकी है, और बहुत जल्द उस पर निर्णय लिए जाएंगे। जहाँ हम बैठे हैं ये तो राज्य राजस्थान ही है, जहाँ हम प्रचार कर रहे हैं राजस्थान है, क्योंकि अलग अलग पार्टी के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। मुझे इससे पहले जिम्मेदारी दी थी केंद्र में, मैं सांसद रहा, केंद्र का मंत्री रहा, फिर राज्य प्रदेश अध्यक्ष रहा, सरकार का हिस्सा रहा। तो समय समय पर जिस व्यक्ति की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ उसका योगदान दिया जाता है। जहाँ तक आपने ये सवाल मुझसे पूछा कि राजस्थान से बाहर जाने की बात, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थांसू दूर कोणी, ये सबको समझना है कि यहाँ पर हम लोग बहुत लंबे समय से काम करते आए हैं, ये हमारी कर्मभूमि रही है, और जब तक राजनीति में काम करेंगे राजस्थान के लोगों की सेवा करते रहेंगे।